हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होंडा CB300R के BS6 मॉडल के बारे में। होंडा ने रिसेंटली ही इस बाइक को इंडिया बाइक वीक 2021 में अनवील किया है और ये बाइक बहुत जल्द ही इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। अभी तक इस बाइक का प्राइस अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बाइक के सभी फीचर्स रिवील हो चुके हैं और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस बाइक के टॉप 7 न्यू फीचर्स, 7 न्यू चेंजेस के बारे में जो होंडा ने CB300R के BS6 मॉडल के अंदर किए हैं। सो अगर आपको होंडा की CB300R 2022 मॉडल के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, होंडा की CB300R एक टिपिकल नियो रेट्रो डिजाइन और स्टाइल वाली नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है। ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई थी क्योंकि काफी टाइम से इस बाइक का BS6 मॉडल मार्केट में नहीं आया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जनवरी में ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। होंडा ने रिसेंटली इस बाइक को इंडिया बाइक वीक 2021 में रिवील किया है, जिसमें इस बाइक के सारे फीचर्स रिवील हो चुके हैं। सो इस बाइक के अंदर हमें क्या नया देखने को मिलेगा, क्या नए फीचर्स इस बाइक के अंदर एडअप हुए हैं, उन सभी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सो चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर सबसे पहला चेंज हुआ है इस बाइक के टैंक श्राउड्स के अंदर। दोस्तों, पहले इस बाइक के टैंक श्राउड्स लाइट सिल्वर और व्हाइट कलर के थे, लेकिन इस बाइक के न्यू मॉडल के अंदर होंडा ने इस बाइक के टैंक श्राउड्स को डार्क ग्रे कलर के साथ दिया है। डार्क कलर के अंदर इस बाइक के टैंक श्राउड्स और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और थोड़ी सी प्रीमियम फिनिशिंग आ रही है। टैंक श्राउड्स की शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ टैंक श्राउड्स का कलर चेंज हुआ है और टैंक श्राउड्स के ऊपर ही CB300R की बैजिंग देखने को मिल जाती है। सेकंड चेंज इस बाइक के अंदर हुआ है इस बाइक के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स के अंदर। इस बाइक के अंदर वही सेम 41mm के प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, लेकिन पहले इस बाइक के अंदर सिल्वर कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स आते थे, लेकिन न्यू मॉडल के अंदर होंडा ने गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स दिए हैं, जो पहले से ज्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स ज्यादा अग्रेसिव लगते हैं और बाइक को ज्यादा स्पोर्टी लुक दे रहे हैं। किसी भी बाइक के अंदर गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स होते हैं तो बाइक के लुक्स को और भी ज्यादा एनहांस करते हैं, और यही इस बाइक के BS6 मॉडल के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको इस बाइक के गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थर्ड चेंज हुआ है इस बाइक के LED हेडलाइट और LED DRLs के अंदर। इस बाइक के अंदर वही सेम राउंड शेप्ड LED हेडलाइट है, लेकिन होंडा ने इस बाइक के LED हेडलाइट के इल्यूमिनेशन को पहले से बेटर किया है और LED DRLs का डिजाइन और शेप भी चेंज हो गई है। इस बाइक के न्यू मॉडल के अंदर राउंड शेप में LED DRLs दिए गए हैं, जो पहले LED हेडलाइट के सेंटर में आते थे। राउंड शेप में LED DRLs काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और बाइक की राउंड LED हेडलाइट का डिजाइन पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर वही सेम 286cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कोल्ड इंजन है, लेकिन एक इस बाइक की सबसे खास बात यह है कि इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। पहले इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट थी 30.4 PS एट 8000 RPM, लेकिन इस बाइक के न्यू मॉडल की मैक्सिमम पावर आउटपुट है 31 PS एट 9000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 27.4 Nm। सो इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट 0.6 PS इंक्रीज हो गई है, जो और भी ज्यादा हायर RPM पे देखने को मिलेगी। सो इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सी बेटर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बाइक और ज्यादा हायर RPM पे क्रूज करेगी तो फिर बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। दोस्तों, फिफ्थ चेंज इस बाइक के अंदर हुआ है स्लीपर क्लच का। पहले इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच ऑफर नहीं की जाती थी, लेकिन अभी इस बाइक के न्यू मॉडल के अंदर होंडा ने स्लीपर क्लच दी है, जिसकी वजह से अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग काफी स्मूथ देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर रियर में वही सेम एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं। सिक्स चेंज इस बाइक के अंदर हुआ है इस बाइक का वेट। पहले इस बाइक का वेट था 147 kg, लेकिन इस बाइक के न्यू मॉडल का वेट है 146 kg। इस बाइक के अंदर वही सेम 296mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रियर में 220mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS, और होंडा ने इस बाइक के अंदर MRF के रेव्स सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स दिए हैं, जो कि 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 150/60 सेक्शन का रियर टायर है, जो कि 17-inch के रेडियल टायर्स दिए गए हैं। और सेवन चेंज इस बाइक के अंदर में देखने को मिलेगा इस बाइक के एक शोरूम प्राइस में। दोस्तों, इस बाइक के ओल्ड वेरियंट का एक शोरूम प्राइस था 2,41,000, लेकिन इस बाइक के न्यू मॉडल का एक शोरूम प्राइस हमें 8,000-9,000 ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस है 2,50,000, जो जनवरी में ही रिवील हो जाएगा, क्योंकि होंडा ने इस बाइक को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन इस बाइक का प्राइस अभी तक रिवील नहीं किया है।
जो जनवरी में ऑफिशियली रिवील होने वाला है। सो इस बाइक का प्राइस हमें 2,50,000 के आसपास देखने को मिलेगा और ऑन रोड प्राइस इस बाइक का होगा 2,80,000 के आसपास। सो दोस्तों ये थे वो सभी चेंजेस जो होंडा ने CB300R के BS6 मॉडल 2022 मॉडल के अंदर किए हैं और इन्हीं सभी चेंजेस की वजह से ये बाइक हमें और ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, जिसकी परफॉर्मेंस भी हमें थोड़ी सी और अच्छी देखने को मिलेगी और साथ ही इस बाइक के न्यू लुक्स भी पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों आपको होंडा की CB300R का BS6 मॉडल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।